वेलकम टू मै एस टीपी दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन स्विचिंग सो इट इज नोन एज पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल तो ये यूज कहाँ होता है आपका मोस्टली तो जैसे आप दो या दो से ज्यादा जब आप स्विच आपस में कनेक्ट कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट स्विच क्या करता है ब्रॉडकास्ट अगर आप एक या दो लिंक लगा देते हो जैसे तीन स्विच मैंने लगाई तो अगर मेरा यहाँ वाला पीसी ये मेरा पीसी है और ये स्विचेज है दीज आर स्विचेज स्विच वन स्विच टू स्विच थ्री तो स्विच थ्री के साथ पीसी कनेक्टेड है तो अगर मैं कोई भी ट्रैफिक सेंड करूंगा तो स्विच क्या करता है ब्रॉडकास्ट तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा अगर और यहाँ से जब स्विच जाएगा तो ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा फिर इस स्विच के पास आएगा ये भी तो ऐसे नेटवर्क में लूप हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक प्रोटोकॉल आपको कुछ भी कॉन्फिगर नहीं करना है सिस्को या जो भी डिवाइसेस हैं डर्ड प्रोटोकॉल इट्स नॉट सिस्को प्रोप्राइटरी तो स्पेनिट्री प्रोटोकॉल क्या करता है नेट एक लिंक आपको ऑफ कर देता है तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं पैकेट ट्रेसर में तो जैसे मैं तीन स्विचेस कनेक्ट करता हूं आपस में तो ऐसे कनेक्शन लिया क्रॉस ओवर केबल लगेगी इसमें तो अभी आप थोड़े देर बाद अभी आपने देखा होगा तो कई बार टाइम लेता है बहुत ज्यादा अभी ये एम्बर लाइट है तो ये क्या करता है अभी एस टीपी चल रहा है ये अभी अपना एस का एल्गोरिथम चला रहा है और ये देख रहा है कोई नेटवर्क में लूप तो नहीं हो रहा तभी भी जब भी आप पीसी वगैरह कनेक्ट करते हो तभी वो इतना टाइम लेता है क्योंकि वो एस रन कर रहा होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है देखो यहाँ पे भी ऑरेंज तो ये कुछ टाइम के बाद आता है तो अभी हम पीसी की बात नहीं कर रहे हैं तो अभी हमें सिर्फ फोकस करना रहे इन तीन स्विचेस के ऊपर तो तीन स्विचेस पे जब आप चेक करोगे तो एक पोर्ट अभी अपने आप बंद हो जाएगा देखते हैं अभी ये देखिए ये सा, इसका लाइट दोनों ग्रीन है इसका ये पोर्ट ब्लॉक कर दिया इसने ये पोर्ट ब्लॉक क्यों किया? दिखाता हूं मैं एस का, का काम क्या था एस का, का काम होता है लूप्स को अवॉइड करने के लिए तो वो एक लिंक अपने आप ऑफ कर देता है तो यहां से जब पैकेट जाएगा आपका यहां से पैकेट जाएगा ट्रेवल करेगा तो इसके पास आएगा स्विच ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा क्योंकि जब तक स्विच लर्न नहीं करता मैक एड्रेस को ही ऑल्सो डू ब्रॉडकास्ट और नोन एज काइंड ऑफ फ्लडिंग तो जब तक उसको मैक एड्रेस नहीं लर्न होगा वो पैकेट ऐसे सेंड करता रहेगा ऐसे करता रहेगा फिर इस पोर्ट के पास आएगा स्विच भी फिर इसे आगे सेंड करेगा ऐसे सेंड करेगा ऐसे करेगा इससे क्या होगा नेटवर्क में लूप हो जाएगा नेटवर्क में लूप हो जाएगा तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करता है बाय डिफॉल्ट ये अपना एक कोई भी जो एक इसके इलेक्शन होते हैं स्टिपी के अंदर एक इलेक्शन होता है रूट बोलते हैं इसे जो भी मतलब सर्वर होता है एक तरह से मेन जो सबको कंट्रोल करता है उसे रूट ब्रिज बोलते हैं इसमें रूट ब्रिज क्यों बोलते हैं क्योंकि स्विचेस को पहले ब्रिज बोला जाता था स्विचेस आर मेड फ्रॉम ब्रिज तो स्विच और ब्रिज एक ही बात है एक तरह से आप ये समझो ये भी एड्रेस लर्न करता है स्विच भी एड्रेस लर्न करता है तो इस कॉन्सेप्ट इतना पुराना कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको रूट स्विच भी बोल सकते हो आप बट ज्यादातर टर्म रूट ब्रिज यूज होती है ही इज लाइक रूट ऑफ द स्विचेस तो ये रूट ब्रिज बोला जा रहा है इसको तो रूट ब्रिज क्यों बोलते हैं हम इसे क्योंकि ये सबको कंट्रोल करेगा और ये सारे इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं सारे जब फर्स्ट टाइम स्विचेज ऑन होते हैं सारे आपस में बोलते हैं कि मैं रूट हूं मैं रूट हूं सारे आपस में ये समझते हैं कि मैं रूट हूं तो इन ये फिर क्या होता है इलेक्शंस होते हैं इलेक्शंस के बाद फिर जो भी रूट बनता है तो फिर वो देखता है कि उसके पोर्ट सारे फॉरवर्डिंग में होते हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे तो अभी बेसिकली सिर्फ ये बताया कि पोर्ट किसका ब्लॉक होता है जो इलेक्शन में हार जाता है एफ पोर्ट ब्लॉक हो गया और ब्लॉक क्यों होता है क्योंकि नेटवर्क में कहीं पर भी उसे लगता है स्विचेस को कि लूप हो रहा है तो वो नेटवर्क पोर्ट बंद कर देता है तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सिंपल लेके कि अगर आप यहां पे स्विचेस लेते हैं दो और दो एक लिंक लिया एक और लिंक लिया तो अभी स्विचेस के लिए लिंक लिया मैंने यहां पे और इसे टाइम लगेगा थोड़ा टॉक अबाउट मोर एसटीपी तो एस टी क्या करता है मल्टीपल लिंक्स है, होते हैं अब देखो multiple link है और अगर इधर के कोई PC ने इधर से, और इस PC को, तो और इधर वाले लिंक पे भी सेंड कर देगा तो जहां पे भी उसे लगता है कि कहीं पे भी नेटवर्क लूप हो रहा है तो वो एक पोर्ट अपना ब्लॉक कर देता है जहां पे भी मल्टीपल उसे पोर्ट्स लगते हैं और एस में बार बार बोल रहा हूँ इसका कोई कॉन्फिगरेशन नहीं होता है उसको एनहेंस करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है बट बाय डिफॉल्ट जैसे हम राउटर ओ चलाते हैं रिप चलाते हैं ई आई जी चलाते हैं ऐसे एस है चलाने के लिए आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती वो ऑलरेडी चलता है

जो आई ट्रिपल एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्फॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंस्टीट्यूट तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे जो नए नए प्रोटोकॉल्स बनते हैं रिसर्च होती है सारी ये करते हैं और फिर उनको एक कोड दिया जाता है जिनका एक स्टैंडर्ड एट जीरो टू डॉट वन डी जैसे हमारा इथरनेट है वो एट जीरो टू पॉइंट थ्री कोड है इथरनेट जो आप केबल वगैरह यूज करते हैं जो वायरलेस होता है वो होता है एट जीरो टू डॉट इलेवन तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो ऐसे ब्लूटूथ का भी है वाईफाई का भी है जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं मतलब जो पूरे कोई भी कंपनी यूज़ करती है जैसे कोई भी वाईफाई का डिवाइस होता है तो सबका वाई एक जैसा होता है ब्लूटूथ होता है यू पोर्ट होता है आपका आर जे फोर्टी होता है दे आर स्टैंडर्ड्स तभी सारे लैपटॉप्स में आर जे वाला पोर्ट लैंड पोर्ट होता है तभी सब में यू पोर्ट होता है यानी वो स्टैंडर्ड बन जाता है और वो सारे वही यूज़ करते हैं ताकि मार्केट में एक तरह से कंपेटिबिलिटी बनी रहे सो इज इनेबल्ड डिफॉल्ट ऑन सिस्को सिस्को स्विचेस स्विचेस कैटलिस्ट आपको देखने को मिलता है कई बार तो कैटलिस्ट एक पहले कंपनी थी जिसको सिस्को सिस्को ने इसे एक्वायर कर लिया था सिस्को कैटलिस्ट एक इसके बाद एक लिंकिस भी कंपनी थी सिस्को ने इसको भी एक्वायर कर लिया एक लिंकिस तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं छोटी मोटी जो सिस्को अगर आप उसका न्यूज देखेंगे तो जो भी लगता है उन्हें यहाँ से हमें फायदा हो सकता है तो उनको एक्वायर कर लेते हैं हाउ एस टीपी वर्क तो, तो सबसे पहले रूट ब्रिज सिलेक्ट होता है जैसे ये तीन स्विचेस का का यहां एग्जांपल मैं ले रहा हूं वही वाला तो सबसे पहले क्या होगा रूट ब्रिज को सिलेक्ट किया जाता है उसके बाद पोर्ट रूट पोर्ट में आपको बताता हूं क्या होता है जैसे ये रूट ब्रिज बन जाता है फिर पोर्ट बनते हैं मतलब रूट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है सेकेंड ये चीज है फिर सेलेक्टिंग डेजिग्नेटेड पोर्ट और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट तो डेजिग्नेटेड पोर्ट अभी मैं बता रहा हूं तो अभी ये देखते हैं पहले, ये देखिए सबसे पहले रूट ब्रिज कैसे सिलेक्ट होता है तो सबसे पहले जो रूट ब्रिज होता है वो कैसे सिलेक्ट होता है लोअर ब्रिज आईडी लोअर ब्रिज आईडी कैसे बनता है ब्रिज आईडी टू प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस सबसे पहले प्रायोरिटी मैच होती है तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट सारे स्विचेस की क्या होती है थ्री टू सेवन सिक्स के दिखाता हूं तो आपको प्रायोरिटी क्या दिखेगी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन तो बाय स्विचेस की प्रायोरिटी क्या होगी इसकी भी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन अनलैस आपने अगर कॉन्फिगर किया है प्रायोरिटी कम है आपकी तो उसको रूट ब्रिज बना दिया जाएगा बट अगर आपने कुछ भी कॉन्फिगर नहीं किया जब स्विचेस कनेक्ट किए तो बाई डिफॉल्ट सबकी प्रायरिटी सेम होती है तो प्रायोरिटी तो मैच कर गई अगर प्रायोरिटी सेम है तो क्या देखते हैं मैक एड्रेस सबसे लोएस्ट मैक एड्रेस किसका है लोएस्ट मैक एड्रेस अभी मैं आपको पूरा कॉन्फिग्रेशन दिखाता हूं तीन स्विचेस का कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया तो अभी हम पूरा कॉन्फिग्रेशन उस पे चलते हैं तो यहां से इन सारी फालतू की चीजों को मैं डिलीट कर देता हूं ये रहा तो मैंने तीन स्विचेस लगाए और यहां पे आप एक कमांड चलाओगे शो स्पैनिंग ट्री तो बाय डिफॉल्ट जब आप शो स्पैनिंग ट्री चलाओगे आपको यहां दिखेगा वीलन जीरो जीरो वन तो आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि सिर्फ आपकी व्हीलन वन ही बनी होती है बाय डिफॉल्ट स्विचेस पे जहां क्योंकि आपके बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स किसमें होते हैं सारे व्हीलन वन में तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट इसकी कितनी है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन तो हम पे लिख लेते हैं स्विच स्विच की है है क्योंकि 3, 2, 7, 6, 8, plus VLAN 1 बना हुआ अब इस पे आके हम देखते हैं क्या कमांड है दोबारा से बता रहा हूं तो शो स्पैनिंग ट्री करेंगे इधर भी आपकी क्या आ रही है प्रायोरिटी थ्री टू सेवन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन सिक्स नाइन अब इधर लास्ट वाले स्विच पे भी हम देख लेते हैं शो स्पैनिंग ट्री तो यहां पे भी प्रायोरिटी क्या आ रही है थ्री टू सेवन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन सिक्स नाइन अब यहां पे आपने लिख लिया इसके बाद जब उसने मैंने आपको बताया जब फर्स्ट उसने प्रायोरिटी मैच की अब तीनों की सेम है अब क्या कंपेयर होगा मैकेडस आपस में एक दूसरे को एक पैकेट भेजते हैं बीपीडियो बोलते हैं उसे बीपीडियो क्या होता है दो सेकंड के बाद जाता है और ये बोलता है मेरा प्रायोरिटी ये है मेरा मैक एड्रेस ये है ये स्विच इसको भेजता है जैसे ओसपीएफ और ए जी में हेलो पैकेट होते हैं ऐसे स्पेनिटरी प्रोटोकॉल में बीपीडी होते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स दो दो सेकंड के बाद भेजते हैं और वो चेक करते हैं कि इसका प्रायोरिटी ये है कंपेयर तो आपस में तभी करेंगे ना कि मेरा प्रायोरिटी ये है इसका प्रायोरिटी ये तो दो दो सेकंड के बाद ये आपस में पैकेट भेजते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा तो कंपेयर किया इनका प्रायोरिटी सबका सेम था थ्री टू सेवन सिक्स नाइन अब मैकेड्रेस को कंपेयर करेंगे ये देखो इनका एड्रेस कैसे पता चलेगा आपको ये येरा जीरो 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 टू इसका मैक एड्रेस लिख दिया हमने अभी मैं एड्रेस भी बताता हूं आपको कैसे कंपेयर करेंगे इसका मैक एड्रेस क्या है ये रहा ये ऊपर वाला जो मैक एड्रेस दिखता है आपको ये ये किसका होता है जब आप शोज पैन करोगे जो हमारा रूट बना है ये देखो जीरो 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 टू ये उसका मैक एड्रेस है जो रूट है आपको किसका देखना है ब्रिज आई डी ये वाला ये मैक एड्रेस किसका होगा आपके वाला तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रायोरिटी का थ्री टू सेवन सिक्स नाइन ये लिखा है थ्री टू सेवन सिक्स एट प्लस वीलन का नंबर उसे सिस्टम आईडी बोलते हैं वीलन वाली आईडी को तो मेरा मैक एड्रेस इस वाले स्विच का क्या है ये और इधर वाले स्विच का देख लेते हैं आप तो इसमें क्या आ रहा है आपका ब्रिज ये जीरो जीरो ए समथिंग तो इधर से मैंने कॉपी किया और यहां से पेस्ट किया तो अभी आप जब क्या होगा कंपेयर होगा ये मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं ये देखो जैसे ये ये का एनिमेशन है ये स्विच को तब ब्रिज बोला जाता था बट सेम कॉन्सेप्ट आप इसे स्विच ही समझो तो ये देखो जब आपका कनेक्शन बन गया तो इसका ब्रिज आईडी ये है यानी प्रायोरिटी प्लस उसका मैक एड्रेस ये लगा हुआ ब्रिज आईडी क्या होता है पहले ऊपर प्रायोरिटी डॉट फिर उसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस है तो अब क्या होगा? ये आपस में जब स्विचेस बूट होते होते हैं, यानी होते हैं, यानी स्टार्ट तो क्या करते हैं आपस में आई एम द रूट ये वाला स्विच बोलेगा मैं रूट हूं ये वाला स्विच बोलेगा मैं रूट हूं तो आपस में सारे क्या बोल रहे हैं मैं रूटू मैं रूटू मैं रूटू तो ये बीपीडी भेजेगा इसको दो सेकंड के बाद ये इसके पास बीपी गया और ये कंपेयर कर रहा है so, ये बोल रहा है कि My root ID is lower than, इन दोनों के का किया, देखो, 0001, अब से गया इधर इसने मैच किया ये कह रहा है मैं रूट हूं तो ऐसे ऐसे करके पूरा फाइनली सारों का एड्रेस देखा जाता तो इसका सबसे छोटा निकला और इसको रूट ब्रिज बना दिया जाता है तो ऐसी अगर आपको यहाँ पे आप पूरा एनिमेशन नहीं देख सकते हो बट आपने देखा कि इधर दो सेकंड के बाद बीपीडू गया इसका गया ये कहता है मैरू टू मै रूटू टू रूटू तो जब मैच किया गया मैक एड्रेस ये देखो जीरो 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 ए तो बायिफॉल्ट हमारा रूट कौन है ये वाला है ये वाला स्विच तो हमारे रूट को हम सर्कल कर लेते हैं ये हमारा ये पता कैसे चला हमें ये वाला है क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबसे पहले एक चीज आपको पता चली तो यहाँ से आपको पता चला जब आप यहाँ पे अपने किसी भी स्विच पे शो स्पेनिट्री करोगे तो यहां आपको दिखेगा कि ये रूट ब्रिज का मैक एड्रेस क्या है और हमने यहाँ से देख ही लिया था आपका मैक एड्रेस क्या है ये जीरो जीरो टू एक तो ये यहाँ से भी देख सकते हो आप कि इधर भी जो रूट आईडी है वो ये है ये वाला मैक एड्रेस है जीरो जीरो टू तो आपका रूट ब्रिज कौन बन गया ये क्योंकि इसका मैक एड्रेस छोटा है देखो जीरो 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 ए मतलब क्या होता है टेन जीरो जीरो ए मतलब होता है टेन जीरो 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 टू तो ए से छोटा होता है टू ये देखो कंपेयर करोगे ए को टेन बोला जाता है ये हेक्साडेसिमल में लिखा है तो टू लोअर है इससे ये भी लोअर है तो कंपेयर हुआ ये इसके साथ फिर ये इसके साथ ये आपस में हुए आपस में फिर सबको पता चला कि ये मेरा रूट ब्रिज है क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या हुई पहले मैच हुई थ्री टू सेवन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन सिक्स नाइन ऐसे सबका सेम था ये देखो थ्री टू सेवन सिक्स नाइन फिर लोअर मैक एड्रेस किसका निकला इस वाले स्विच का और हमने इसको क्या बनना बन गया ये आपस में इलेक्शन होने के बाद ये बन गया हमारा रूट ब्रिज तो रूट ब्रिज जब बन जाता है स्विचेस इन द नेटवर्क जितने भी स्विच होते हैं आपके नेटवर्क उसमें एक स्विच क्या बनेगा रूट ब्रिज डेट बिकम्स द फोकल पॉइंट इन द नेटवर्क मतलब पूरा जो भी है सारा ट्रांसफर और सारा एक तरह से फोकल पॉइंट बन जाएगा और उसका कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं होता कभी भी रूट ब्रिज का पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा कभी भी रूट ब्रिज जो भी बनेगा आपका उसका पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा तो हमें श, स, पूरी की पूरी अगर एक लैंड नेटवर्क अगर यहाँ पे दस स्विचेस लगे होंगे तो उनमें सिर्फ एक ही रूट ब्रिज होता है पूरे लैन में कितने रूट ब्रिज होते हैं एक ही रूट ब्रिज होता है और बाकी के सारे स्विचेस क्या होते हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रूट ब्रिजेस जो रूट नहीं है नॉन रूट ब्रिजेस अब मेरा द रूट ब्रिज मेरा concept, ये क्लियर हो गया कि मेरा कैसे देखते हैं सबसे पहले प्रायोरिटी मैच करते हैं फिर मैक एड्रेस मैच करते हैं अब मेरा सेकंड है रूट पोर्ट सिलेक्टिंग जैसे मान लो ये हमारा रूट ब्रिज बना था ये वाला ये वाला स्विच तो अब सारे क्या देखेंगे इस तक पहुंचने के लिए मेरे कौन कौन सा रास्ता सही है तो एक कॉस्ट चेक करते हैं कॉस्ट कैसे चेक करते हैं ये देखो ये होती है स्टिपी की कॉस्ट ये आपको मेनली याद करनी पड़ती है तो आपको मोस्टली हंड्रेड एमबीपीएस की याद रखनी है एसटीपी की 100 एमबीपीएस की कॉस्ट कितनी है 19 और अगर आप पुरानी कंपनी में तो आपकी 10 एमबीपीएस की 100 आएगी और यह 1 गी पोर्ट की अगर गीगा पोर्ट्स हैं 10 गीगे हैं तो 4 और 2 तो यह आपकी कॉस्ट होती है तो आपको ये चारों की याद रखनी है 100 10 एमबीपीएस की 100 की और 1 जीबीपीएस की 10 जीबीपीएस की तो मेरे केस में हमने फास्ट इथरनेट लिया तो हमारी कॉस्ट क्या दिखानी चाहिए नाइनटीन तो अभी मैं अगर स्विच पे जाता हूं अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐसी आप कमांड चेक करते हो ना तो आप कहा देख सकते हो कॉस्ट ये देखो जब आपने कमांड चलाया शो स्पेनिंग ट्री तो ये बता रहा है ये वाले एफ ए जीरो वन पोर्ट के लिए मेरी कॉस्ट कितनी है नाइनटीन एफ ए जीरो नाइनटीन नाइनटीन क्यों दिखा रहा है क्योंकि ये वाले मेरी फास्ट इथनेट है अभी मैं समझाता हूं इसको तो ये कॉस्ट है तो हमें सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट अब मैं आपको दो तरह के पोर्ट होते हैं सबसे पहले ये देखो जब आप नेटवर्क में आते हो तो आपके दो तरह के पोर्ट होते हैं एक होते हैं फॉरवर्डिंग पोर्ट्स, एक होते हैं ब्लॉक पोर्ट्स फॉरवर्डिंग मतलब वही जो कनेक्शन फॉरवर्ड करेंगे और जो आपको ग्रीन दिखेंगे और एक होते हैं जो ब्लॉक हो जाएंगे यानी रेड हो जाएंगे तो फॉरवर्डिंग पोर्ट्स भी दो तरह के होते हैं आपके होते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट्स और एक होते हैं रूट पोर्ट्स ब्लॉकिंग पोर्ट्स कौन से होते हैं जो नॉन फॉरवर्डिंग होते हैं इन्हें नॉन फॉरवर्डिंग बोला जाता है तो आपके दो पोर्ट्स आपको नेटवर्क में दिखेंगे डेजिग्नेटेड यानी डीपी भी बोला जाता है डीपी डेजिग्नेटेड दे, पोर्ट्स और आरपी मतलब रूट पोर्ट्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपका रूट ब्रिज बनता है अब तीन स्विचेस बने तो ये वाला स्विच मेरा रूट ब्रिज बना था तो इसके हमेशा पोर्ट्स क्या रहेंगे डीपी ये कौन सी स्टेट में रहेंगे डीपी अभी देखते हैं अब हमारा कौन बना था रूट ब्रिज ये वाला जब आप ये देखोगे शो स्पैनिंग ट्री करोगे शो स्पैनिंग ट्री तो ये देखो एफ पोर्ट यानी जो इस स्विच का एफ पोर्ट है वो क्या है डी डी एस जी यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ये पोर्ट क्या मेरा डीपी ये भी मेरा पोर्ट क्या डीपी अब डीपी के ऑपोजिट हमेशा आपको डीपी के ऑपोजिट हमेशा क्या होते हैं रूट पोर्ट्स अगर ये डीपी बन गए दोनों पोर्ट्स तो डीपी के ऑपोजिट या तो पोर्ट होता है या ब्लॉक होता है

दूसरा रास्ता देखते हैं अगर यह वाला स्विच यहां ब्रिज जाने के लिए यह वाला रास्ता चूज करता है पहले इधर से फिर इधर से तो कॉस्ट कितनी होगी नाइनटीन प्लस नाइनटीन थर्टी एट एक तो डायरेक्ट लिंक था यह वाला एक तो डायरेक्ट लिंक है एक एक घूम के यहां से तो इतनी इधर से कॉस्ट कितनी पड़ रही है थर्टी एट ऐसी इस, इस स्विच की अगर इस स्विच की बात करें इसकी कॉस्ट इधर से तो नाइनटीन पड़ रही है बट इधर से अगर ये घूम के जाएगा तो इसकी भी कॉस्ट क्या पड़ रही है थर्टी एट ठीक है अब देखो फिर कॉस्ट सेम आ गई अगर ये कॉस्ट जिसकी कम होती जिसकी कम होती उसका पोर्ट ब्लॉक नहीं होना था बट इन दोनों की फिर सेम आ गई इधर से नाइनटीन प्लस नाइनटीन थर्टी एट हो रहा है इधर से नाइनटीन प्लस नाइनटीन थर्टी एट हो रहा है अब दोबारा से क्या चेक होगा लोअर ब्रिज आईडी यानी फिर से ब्रिज आईडी मैच होगी तो ब्रिज आईडी इस कॉन्सेप्ट में क्या थी हमारी ये देखो रूट दोबारा से मैच होंगे ये वाले मैक एड्रेस तो अब ये जीरो जीरो वन ए है फोर वन बी फोर वन डी एट जीरो 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 ए फोर वन डी एट जीरो सेवन जीरो टू ये मैंने दोनों को सेम ही लिख दिए आई थिंक यहां से इसका दोबारा से चेक कर लेते हैं शो स्पेनिंग ट्री इसका ये था सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ होगा अच्छे से तो ये देखो अब दोबारा से क्या होगा अब इधर से भी इसकी कॉस्ट थर्टी एट पड़ रहा है इधर से भी क्योंकि ये इसका मेन रास्ता था बट अगर ये इधर से घूम के जाएगा इधर से नाइनटीन थर्टी एट थर्टी एट कॉस्ट आ रही है ऐसी दूसरे स्विच का क्या हो रहा है अगर दूसरे स्विच की बात करें इस स्विच की तो इधर से पहले ये इधर से, फिर इधर से से फिर तो इसकी कितनी पड़ रही है इसकी भी पड़ रही है तो अब इन दोनों की दोबारा से क्या होगी रूट आईडी मैच होंगी ये ब्रिज आईडी तो इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो इसका छोटा निकलता है जीरो जीरो सॉरी बड़ा क्योंकि वन जीरो और इधर से जीरो 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 ए है तो मैकेड लोअर देखो किसका है इसका ये वाला, जीरो 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 ए सॉरी जीरो जीरो ए इसको टेन बोलते हैं है ना तो जीरो जीरो ए यहां पे अगर आप कंपेयर कर तो इधर जीरो वैल्यू इधर वन है तो अगर आपको दिखने में लगेगा कि ये आपका ए जो है ये क्या है लोअर है तो ये, अगर ये लोअर है तो इसका पोर्ट ब्लॉक होगा किसका पोर्ट का ब्लॉक इसका और पोर्ट कौन सा ब्लॉक होगा इधर से तो ये देखो इधर से इसकी कॉस्ट नाइनटीन आ, आ रही है तो इसका ये 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 तो सबकी प्राइटिस मैच हुई थ्री टू सेवन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन सिक्स नाइन थ्री टू सेवन सिक्स नाइन तो प्राइटीज सबकी सेम थी फिर लोअर मैक एड्रेस देखा गया तो सबसे लोअर किसका था इसका जिसका भी लोअर होता है उसके पोर्ट्स क्या हो जाते हैं डीपी ठीक है जब डीपी हो जाते हैं तो दूसरी चीज होती है कि रूट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट है तो यहां से यहां तक इसने कॉस्ट कॉस्ट देखी देखी यहां से यहां से तक तो इन, इसकी भी आ रही थी इसकी भी आ रही थी जब आ रही है तो डीपी का ऑपोजिट क्या बन जाएगा रूट पोर्ट आरपी आरपी यहां तक आरपी आरपी हो गया आपका रूट पोर्ट रूट पोर्ट अब इन दोनों ने दूसरा रास्ता देखा अपना इधर वाला इधर वाला जो घूम के जा रहा है इधर से यहां से ऐसे 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 और स्विच का यहाँ से ऐसे-ऐसे ऐसे तो इधर से 38 आ रहा है, इधर से भी 38 आ रहा है क्योंकि 19 प्लस 19 अब इन दोनों का फिर से ब्रिज आईडी मैच हुआ और ब्रिज आईडी इसका लोअर था, किसका लोअर था इस वाले स्विच का 000A समथिंग क्योंकि 000A छोटा था 0010 से ठीक है तो अगर आप इसे बाइनरी में करते हो तो आपको समझ आ जाएगा तो इसका लोअर था तो इसका पोर्ट ब्लॉक नहीं होना था तो इसलिए यह वाला पोर्ट क्या बन गया ये वाला पोर्ट डी पी क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं ब्लॉक इधर वाला पोर्ट क्या बन जाएगा ब्लॉक तो ये वाला लास्ट में जैसे आपको पता लगे डीपी है ये आरपी बना ये डीपी बना ये आरपी बना अब इन दोनों के बीच में क्या होगा इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ और इसने देखा कि मेरा रास्ता तो सही बैठ रहा है मेरा पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि मेरी ब्रिज आईडी है तो इसको डीपी बोलेंगे और डीपी का ऑपोजिट क्या आएगा इधर ब्लॉक तो डीपी का ऑपोजिट या तो आरपी होता है या डीपी के ऑपोजिट ब्लॉक होता है तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका और अगर आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर डीपी डीपी अब इस स्विच का देखते हैं शो स्पैनिंग ट्री अगर आपको नहीं समझ आया कोई नहीं बार बार रिपीट करो ये एस इतनी आसानी से समझ नहीं आता है बट ट्राई करो तो अब देखो इसका एफ ए जीरो पोर्ट रोल में रूट में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूट यानी आरपी ऐसी इसका जो ये वाला पोर्ट है एफ ए जीरो वन एफ ए जीरो वन किस में डी डेजिग्नेटेड में तो ये क्या बनेगा डी पी तो डीपी के ऑपोजिट क्या होते हैं हमेशा आरपी और ब्लॉक तो ये वाले स्विच का भी आपको मैं दिखा देता हूं ये देखो रूट और ब्लॉक को हमेशा यहां पे क्या दिखाएगा ऑल्टरनेट यहां पे ब्लॉक स्टेटस क्या ब्लॉक तो रूट हमेशा क्या होते हैं फॉरवर्डिंग होते हैं और डेजिग्नेटेड भी क्या होते हैं हमेशा फॉरवर्डिंग होते हैं देखो डेजिग्नेटेड भी फॉरवर्डिंग होते हैं रूट भी फॉरवर्डिंग होते हैं और ब्लॉक पोर्ट्स आपके ऑल्टरनेट पोर्ट्स होते हैं तो एस टीपी इसके बाद हमें एक और एग्जाम्पल लेंगे और अभी पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इसका पहले तो शॉर्टेस्ट पाथ जब रूट पोर्ट्स मैच हुए यानी सबसे पहले जब आपके ये ब्रिज रूट ब्रिज बन गया इसके बाद लीस्ट कॉस्ट देखी जाती है सबसे कम कॉस्ट कितनी पड़ रही है तो दोनों की मेरे केस में थर्टी एट थर्टी एट पड़ रही थी तो जब लीस्ट कॉस्ट सही हो गया है तो इसके बाद लोअर दोबारा से फॉरवर्डिंग लोअर आईडी देखी जाएगी लोअर जो भी फॉरवर्ड कर रहा है तो उसके इसमें किसकी थी जो ऊपर वाला स्विच था इसकी लोअर थी तो इसलिए इसका ये वाला पोर्ट ब्लॉक हो गया क्योंकि इधर से कॉस्ट इसकी थर्टी एट है ये वाला पोर्ट इसलिए नहीं हो क्योंकि इसके इधर से कॉस्ट नाइनटीन थी तो इसके बाद एक और चीज होती है लोअर फिजिकल पोर्ट नंबर वो कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके दो स्विचेस से दो कनेक्शन जा रहे हो एक ही स्विच के साथ तो इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपका एस था तो थर्ड मेरा यही था और नॉन डेजिग्नेटेड कोर्स देखी जाती है एसटीपी तो की स्टेट्स होती है सबसे पहले एसटीपी होती है आपकी लिसनिंग पंद्रह सेकेंड तक लिसन यानी बीपीड्यूज के होते हैं आपको पता है जब आप स्विच लगाते हो कितना टाइम लेता है वो ग्रीन होने में है ना इतना टाइम लेता है तो वो पहले सबसे पहले जब आप नया स्विच लगाते हो तो फिफ्टीन सेकेंड्स लेता है, वो। में। 15 तक वो वेट करता है, है कि किसका लोअर ब्रिज आईडी है तो टोटल तो आपका थर्टी सेकेंड्स लेता है नया स्विच जब आप लगाते हो एक स्विच के साथ दूसरा स्विच और जब आपका पोर्ट ब्लॉक स्टेट में चला जाता है तो वो कितना लेता है ट्वेंटी सेकेंड्स टोटल एस के तीन टाइमर है तो उसका भी कोई टाइम नहीं है तो ये आपके लर्निंग पंद्रह सेकंड ब्लॉकिंग ट्वेंटी सेकंड्स तो ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कई बार कि ब्लॉकिंग कितने टाइम तक रहता है ट्वेंटी लिसनिंग फिफ्टीन तो जब आपको बेसिक समझ आए तो इसके बाद एक और हम वीडियो बनाते हैं इसके बाद